लाता ठोके, पेट में लाता ठोके, मारा देरानी बेड़ी थी उरी लाता ठोके, डिलीवरी थी हम फूटा मारा की हो। मैं सुरेंद्र सिंह दहिया हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष रावणासपुर समाज बाड़मेर से हूँ। आज से 15 दिन पूर्व एक बिसाला गांव के पास में ढाणी है, उसके ढाणी के अंदर स्वरूप सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था इलेक्शन को लेकर। स्वरूप सिंह रावणासपुर समाज से हैं, जो इलेक्शन के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ में था, उनका प्रचार प्रसार और उनके वोटिंग के समय हर समय साथ रहा। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वहाँ सरपंच प्रतिनिधि है हाथी सिंह, उसके परिवार के लोगों ने इनके साथ मारपीट की, रास्ता बंद किया, जाने आने के लिए रोका। फिर हमने वहाँ मिलकर सब वहाँ थानाधिकारी बाड़मेर ग्रामीण के अंदर एक FIR दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन माननीय थानाधिकारी महोदय ने आगे फॉरवर्ड कर दी पुलिस चौकी बिसाड़ा को। दूसरा पुलिस चौकी को मैंने खुद में फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई कार्रवाई की नहीं। हमने दो तीन बार बात भी की, हालांकि वो थाना पुलिस चौकी जो विशाल इंसार्ज मेरे मित्र है पूनम चंद जी, लेकिन मित्र धर्म उन्होंने निभाया नहीं। उसके बाद में आज ये करीबन 6:30 बजे अपने घर आ रहे थे खेत से, बीच में ये लोग नाम है इसका टीपू स्वरूप सिंह नाम है, सुंदर सिंह ये लोग आ रहे थे। इनके साथ में तीन तो जेंट्स थे और एक लेडीज थी, नाम तो मुझे उनका नहीं पता है। इन्होंने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज की, और ये प्रेग्नेंट है लेडीज, बच्चा है, प्रेग्नेंट है इसका, और इनको अभी वहाँ तक इनको गाड़ियाँ नहीं आने दी, उनके कई परेशानी किया उनको। उसके बाद हमने बाड़मेर से गाड़ी भेजी, उस गाड़ी के अंदर इसको हॉस्पिटल लेके आए। कौन सी गाड़ी नहीं आई, क्या हुआ? वो उनके ढाणी के पास में जाना नहीं दे रहे थे, तो ये उन लोगों ने मना कर दिया, सब गाँव के लोग आसपास के सब मना कर दिया, आप ढाणी के जाना नहीं। फिर हमने बाड़मेर से गाड़ी भेजी, बाड़मेर से गाड़ी इसको अंदर लेके आए और यहाँ हॉस्पिटल एडमिट कराया, इनकी ब्लीडिंग भी हो रही है। लेकिन मैंने थानाधिकारी साहब से खुद को फ़ोन किया था घंटा डेढ़ घंटा पहले, मैं को यार कम से कम इनको एक आपका कॉन्स्टेबल साथ में भेजना चाहिए, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं, उसको बिल्कुल छोटा सा हल्के में लिया है। आज इसकी स्थिति बड़ी सीरियस है, अभी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर भी आए हुए, दो तीन डॉक्टर और आए चेकअप के लिए, इनको रेफर कर रहे हैं जोधपुर के लिए, इनकी बहुत ज़्यादा है। और इस संबंध में मैंने माननीय था वृत्ताधिकारी आनंद सिंह जी राजपुरी साहब से बात की थी, लेकिन उनका वापस उनका कोई रिप्लाई आया नहीं कि मैं उनको, उन्होंने मुझे बोला कि मैं बोल दूंगा। अभी मौके पर पुलिस पहुंची, अभी पुलिस पहुंच के वाथ उनको वापस रवाना, उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं, ना उनका कोई मानस कारण कार्य करने का मानस है, क्योंकि विधायक महोदय का, पूर्व विधायक महोदय मेवराम जैन का निजी आदमी है सरपंच प्रतिनिधि हाथी सिंह, इसलिए वो असक्षम है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक शांत और धैर्य से बैठे हैं, पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में ले और कार्रवाई तत्काल करे, अन्यथा फिर कल बड़ा मामला बिगड़ सकता है। हम नहीं चाहते, क्योंकि मैं खुद CLG मेंबर भी रहा हूँ, पुलिस प्रशासन के साथ रहा हूँ, हम नहीं चाहते कि मामला कोई बिगड़े। महिला का एक बच्चा पहले से है और बच्चा भी प्रेग्नेंट है, 8 महीने की है। टिक्कू वाइफ ऑफ चंद्र सिंह नाम है, विशाला के पास दान सिंह ढाणी के गाँव की रह सकते, अभी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के अंदर एडमिट है, डॉक्टर भी आए हुए हैं उनके साथ में। हमारा रिश्तेदार है वहाँ, मेरी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी है, तो वहाँ से उनका फोन आया था, यानी कि मुझे खुद को बुखार आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैं पुलिस को फ़ोन किया, CI साहब को फ़ोन किया, आनंद सिंह जी राजपुरी साहब को फ़ोन किया, पूनम जी तो मेरा फ़ोन अटेंड करते नहीं है, पता नहीं उनकी क्या मंशा है, क्या है नहीं, कोई जानकारी नहीं है।